ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा मॉडिफायर की बात करें तो आप यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीनों पे बात करेंगे और मैं एक एक कर तीनों की एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सबसे पहले अपने डेटा मॉडिफायर जो कि हमारे पास पब्लिकली डेटा मॉडिफायर कहलाता है उसके बारे में बात करें। अपने नाम से जाहिर है कि आप इसको पब्लिकली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं क्लास बनाती हूँ, उसको जो वो स्टूडेंट का एक अलग नाम डिक्लेयर करती हूँ और यहाँ पर एक सिंपल की क्लास क्रिएट कर देती हूँ। क्लास क्रिएट करने के बाद मैं इसको एक नाम दे देती हूँ और जो मेरा नाम होगा वो बेसिकली स्ट्रिंग में होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपल अपना नाम महक लिख देती हूँ। अब क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट ही जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ये पब्लिकली एक्सेस होगा मेरे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अभी बाय डिफॉल्ट है और डिफॉल्टली हमने जो क्लास बनाई होती है वो उसको हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने टर्मिनल में इसका आउटपुट देखने के लिए जाऊं तो यू कैन इजीली सी कि टर्मिनल में मेरे पास यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा वो कंपाइल होगा। तो हम सिंपल टीसी कर इसको चेकआउट करते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आता है। अभी मैंने जो है यहाँ पर अच्छा अभी यहाँ पर आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने कंसोल नहीं कराया था ऑब्जेक्ट बनाते। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अभी एम्प्टी है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है अपने सेम कोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर्टी भी टारगेट करनी होती है अपने पब्लिक मॉडिफायर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं और मैं क्या करती हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ लाइट करके। मैंने लाइट करके एक ओबीजे के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें न्यू का कीवर्ड यूज किया और स्टूडेंट की क्लास को टारगेट कर लिया। अब जब मैंने स्टूडेंट की क्लास को टारगेट करा तो अब मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराकर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती हूँ। यानी कि जैसे ही मैं ओबीजे लिखूंगी और आगे डॉट लगाऊंगी तो ये सी कि अब मैं नेम की प्रॉपर्टी को टारगेट कर पा रही हूँ। तो मैं नेम की प्रॉपर्टी को जैसे टारगेट करूंगी मेरे पास ये कंपाइलेशन हो जाएगी। तो चले अब टर्मिनल में चेकआउट करते हैं कि क्या वाकई ये हमारे पास पब्लिकली जो है वो यहाँ पर एक्सेस करता है या हमारे पास पब्लिकली एक्सेस नहीं करता। तो मैं जैसे ही नोड मेन डॉट जे एस करूंगी कि मेरा नाम जो है वो टर्मिनल में लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये पब्लिक मॉडिफायर है तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप मॉडिफायर को किसी और जगह पे यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इसको बताना होता है कि कौन सा मेथड मेरे पास यूज हो रहा है। तो क्योंकि अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही रहता है, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम ही एग्जाम्पल को जो है वो शिफ्ट आउट करते हैं। सेम एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो एज अ प्राइवेट मॉडिफायर यूज करेंगे। तो एज अ प्राइवेट मॉडिफायर अगर मुझे सेम एग्जांपल को यूज करना हो तो मैं क्या करूंगी, जहां पर अभी जो मैंने पब्लिक लिखा है इसकी जगह पे मैं सिंपल प्राइवेट लिख दूंगी। तो जैसे मैं इसकी जगह पे यहाँ पे प्राइवेट लिखूंगी तो हम देखते हैं कि मेरे पास नेम का एरर आ रहा है। क्या कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो नेम है वो ओनली एक्सेस की जा सकती है क्लास के साथ, क्लास के अलावा जो है मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास अब प्राइवेट हो गई है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस के अंदर मुझे इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करानी होगी। तो चलिए वैल्यू रिटर्न कराते हैं। वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक यूजर बनाते हैं क्योंकि हमारा स्टूडेंट था तो बेसिकली एक यूजर था। तो मैंने एक गेट यूजर बना दिया और गेट यूजर की प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जो है वो रिटर्न करा ली दिस डॉट नेम की प्रॉपर्टी। अब अगर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट्स आते होंगे तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से इसको कंपाइल कर सकते हैं। अभी भी मैंने दिस डॉट नेम की प्रॉपर्टी जब जो है यहाँ पे रिटर्न कराई है तो स्टिल मेरे पास एरर है। क्यों क्यों मेरे पास एरर है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी टारगेट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को टारगेट करने के लिए मेरे पास नेम तो प्राइवेट है लेकिन मेरे पास गेट यूजर क्या है वो पब्लिक है। तो अगर मैं जो हूँ डाउनवर्ड्स में आऊंगा, डाउनवर्ड्स में आने के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट गेट यूजर करूँ तो क्या ये मेरा एरर चला जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मेरा ये जो एरर होगा वो आप देखो कि क्लियरली चला गया है। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं, वापस टर्मिनल में चलते हैं। वी कैन सी कि क्या अभी भी हम वाकई अपना जो ये वाला हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब जब हमने जो है इसको एनहांस आउट कर दिए तो यू कैन सी के महक जो है वो स्टिल मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से प्राइवेट्स को जो है वो कंसीडर आउट कर सकते हैं और अगर मुझे इनको जो है वो पब्लिक करके यूटिलाइज करना हो तो तब भी मैं उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से टारगेट कर सकती हूँ। अब हम यहाँ पर अपना तीसरा मैथड चेकआउट करते हैं जिसके लिए मैं अगेन सेम कोड का जो
है वो यूटिलाइजेशन करूंगी, और सेम कोड को यूटिलाइजेशन करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अपना तीसरा मेथड यूज करेंगे। दिस टाइम जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ वो है मेरे पास प्रोटेक्टेड। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ प्राइवेट से हटाकर प्रोटेक्टेड मेथड को यूज करूंगी। अब मैंने प्रोटेक्टेड मेथड को यूज किया तो ये यहाँ पर मेरे पास सिंपल हो गया, बल्कि मैं काम करती हूँ, पहले इसको कंट्रोल डेट करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे प्राइवेटी रखती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसको इसी तरीके से प्राइवेट रहने दिया जैसे ये प्राइवेट था। मैं ये करती हूँ, मैं इसके अंदर एक और क्लास बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक क्लास बनाई है, मैं एक और क्लास बनाती हूँ। मैंने एक और जो है वो यहाँ पे क्लास बनाई, उस क्लास को मैंने यूजर का नाम दिया, जैसे हमने गेट यूजर लिखा था, तो गेट यूजर हो गया, तो यूजर इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्लास में यूजर इन्फॉर्मेशन बनाया, इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मैथड के थ्रू एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके किसके इक्वल करा दिया, स्टूडेंट के इक्वल करा दिया। अगर आपने तक मेरे एब्स्ट्रैक्ट मैथड की वीडियो को चेकआउट नहीं किया जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में इन डिटेल बताया, तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो से पहले उसको चेकआउट कीजिए। इसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर प्रोवाइड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अपने यूजर इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक्सटेंड कर लिया, और एक्सटेंड करते हुए मैं कुछ चीजें प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि मैंने आईडी दे दी इसको यहाँ पे 10, और साथ में मैंने क्या किया, साथ में मैंने जो है वो सेट यूजर नेम किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो गेट यूजर किया हुआ है, तो मैं इसको सेट यूजर कर लेती हूँ। ठीक है, सेट यूजर के नाम का एक मेथड बनाती हूँ, और एक मेथड बनाकर इसके अंदर भी सेम काम करती हूँ कि मैं रिटर्न करती हूँ, और रिटर्न के साथ दिस डॉट नेम की प्रॉपर्टी को टारगेट करती हूँ। अच्छा, अब जब मैं दिस डॉट नेम की प्रॉपर्टी को टारगेट करूंगी, तो दिस डॉट नेम की प्रॉपर्टी को टारगेट करते हुए मुझे एक और इसके अंदर नाम देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो आलमगीर को प्रिंट करा देती हूँ। अब जब मैं इसको यहाँ पे कंसीडर आउट कर रही हूँ, तो आप देखो कि एक तो मेरे पास एरर आ रहा है ऑलरेडी यहाँ नेम के अंदर, तो क्या कहता है कि नेम की जो प्रॉपर्टी है वो अभी हमारे पास प्राइवेट है, और इसको सिर्फ हम स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं स्टूडेंट की क्लास में एक्सेस कर सकती हूँ। इसके साथ साथ क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले गेट यूजर के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो अब जो है मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर न्यू यूजर जो मैंने क्रिएट किया ना सेट यूजर वाला, उसके लिए भी जो है एक अदद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ लेट ओबीजी इक्वल टू ओबीजी टू कर देते हैं उसका नाम, ताकि उसका वाइल से मिलता जुलता हो जाए, और साथ में न्यू का कीवर्ड, और न्यू के कीवर्ड के साथ मैंने इसको क्या नाम दिया है, यूजर इन्फॉर्मेशन। तो हमने इसको यूजर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आउट कर दी, और यूजर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आउट करते हुए हम क्या करेंगे, हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, और कंसोल डॉट लॉग करा के मैं यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट टू है उसकी प्रॉपर्टी को टारगेट करूंगी। ऑब्जेक्ट टू में मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सेट यूजर नेम की प्रॉपर्टी, तो इसको कंपाइल कर लूंगी। अभी भी जब मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन की भी है, तो यू कैन इजिली सी के प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टिल नेम की जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर जो मेरा कोड है इसमें से प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड करूंगी, तो यू कैन सी कि मेरा एरर चला जाएगा। अब क्या होगा कि अब मैं जो हूँ वो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अपनी तीनों प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं है डेटा मॉडिफायर का यूज करके। टर्मिनल में चलते हैं, टर्मिनल में इसका आंसर चेकआउट करते हैं कि क्या बाकी मेरे पास दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि अभी मेरे पास एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था। प्रोग्राम सेव करने के बाद जो है हम इसको कंपाइल्ड आउट करते हैं, ताकि हमारे पास दोनों जो नेम्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट आउट होके आ जाए। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि मैं एट ए टाइम रिटर्न में जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं उनको भी टारगेट कर पा रही हूँ, और जो मेरा यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्लास था वो भी मैंने टारगेट आउट कर दिया। तो इस तरीके से डेटा मॉडिफायर का यूज करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और जहां पर भी हमें जो यूटिलाइजेशन करनी होती है अपने मॉडिफायर के अकॉर्डिंगली, हम वहां पर यूटिलाइज करते हैं। अगर आप मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज को फॉलो अप नहीं कर रहे, तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल से टाइपस्क्रिप्ट के नाम की प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कीजिए, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पर अपलोड आउट हैं। इन केस अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के कॉल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।